हेलो गाइस, अनुभा गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ एमरेलिस लिली के। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल। ये मेरे सारे, ये सारे खिल के देखिए। ये इसमें मैंने दो प्याज लगाए थे, दो बल्ब। ये जो है बल्ब से ग्रो होता है और इसकी जो मतलब देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर है। ये देखिए ये दो दो ही आपके बल्ब लगे हैं, तो इसमें दो बल्ब में से एक एक स्टिक निकले हैं। अगर आपका ज़्यादा मैच्योर होता है, बहुत पुराना होता है, तो उसमें दो दो एक साथ दो भी निकल सकते हैं, या किसी किसी में तीन भी निकल जाते हैं। तो ये ज़्यादा मैच्योर नहीं, एक साल पुराना है, इसलिए देखिए तो इसमें एक ही एक एक स्टिक निकला है। ये देखिए इन दोनों में एक एक स्टिक ही निकले हैं। बाकी इनमें जो है, ये देखिए इनमें भी एक ही स्टिक निकला है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं, ये भी एक साल पुराना ही था। तो इसमें तो कलियाँ निकली थी, तो दो तो ये बंदर खा गए, तो ये देखिए कुछ बचे हैं। और ये सबसे है, ये है आपका छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस साल इसमें स्टिक नहीं होगी, देखिए इसमें फूल अगले साल ही आएगा। तो गैस जितना आप बड़ा प्याज लेते हो, जितना बड़ा बल्ब लेते हो, उस उतना ही आपके जल्दी फूल आते हैं। तो गैस आप जब भी आप बाहर बाहर मतलब जब भी आप लेने जाते, नर्सरी में जाते हो, या फिर आप माली से लेते हो, तो उनसे तो बड़े प्याज ही मांगना, छोटे प्याज मत मांगना। और ये जो है आपकी, इसकी जो देखभाल है, ये आप बहुत ही कम इसको कम समय या फिर कम मेंटेनेंस ही चाहिए होता है इसको। ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए होता है। ये देखिए इसमें साल में एक बार ही फूल आते हैं, ये समर के टाइम पे। तो कैसे धूप की बात कर लेते हैं, इसमें आप चाहे धूप में रखिए या छाए में रखिए, फिर भी इसकी मतलब जो ग्रोथ होएगी, फ्लावरिंग भी होएगी इसकी। क्योंकि मैं अपने आइडिया से बोल रही हूँ, मेरे जो नीचे बालकनी में है, उसमें भी ऐसे ही आपके तीन चार मतलब गमले में छोटे से पॉट में लगा रखा है, तो उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो उसमें भी मतलब ना धूप आता है वहाँ पे, और ना ही इतनी मैं इसको मतलब रोज़ रोज़ पानी देती हूँ। बस ये लिक्विड जो खाद है वो देती हूँ, जैसे चावल धुले हुए पानी, दाल धुले हुए पानी, सब्जी धुले हुए पानी, इन सब चीज़ों को डालती हूँ मैं। और उसमें भी इतने बड़े बड़े फ्लावरिंग हो रही है आपकी। और ये जो स्टिक है, एक स्टिक निकलती है, उसके साथ साथ आपके जो ये चार पांच मतलब फूल खिलते, देखिए एक दो तीन चार, हर एक मतलब स्टिक में ऐसे ही आपके दो तीन के करीब आपकी ये इसमें फ्लावरिंग होती है। तो गैस ये जो है आपका बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला मतलब आपका प्लांट है, बल्ब है आपका। इससे भी मतलब एक खरीद के लाइए तो एक के बदले आपको मल्टीपल मतलब ऐसे मिलते रहेंगे हर मतलब हर साल इसके, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होता है। ये देखिए मैंने ये दो लगा रखे हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसकी दो तीन और निकल रही है इस साइड से, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये घुमा के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ जो है आपके, ये यहाँ यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे से निकल रहे हैं आपके, दो तीन निकल रहे हैं ऐसे ही। तो ये ऐसे ही बेबी प्लांट इसके निकलते रहते हैं। और इसकी जो है जो छोटे वाले बल्ब होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उसके बाद ही इसकी आपकी फ्लावरिंग होती है। तो इसमें ना आप और कम धूप दो तब भी चल जाएगा, कम खाद दो तब भी चलेगा, कम पानी दो तब भी चलेगा। इसमें वैसे भी पानी कम चाहिए होता है, अगर आप ज़्यादा पानी देते हो तो इसके जो ये लीफ है, ये देखिए ये लीफ से इसके सारे येल्लो हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए ज़्यादा पानी दे तो इस तरह से हो जाते हैं, तो इनको कट करके फेंक देना चाहिए। और जो इसकी खाद है, अब ये जो इसकी फ्लावरिंग का टाइम है मार्च अप्रैल में, तो इस टाइम इसके मतलब अच्छी तरह से अगर खाद देते हो तो फिर इसकी फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मैं तो ये मार्च में ही स्टार्ट हो गई है, तो मैंने इसमें कौन सा खाद डाला जिससे कि इसमें फ्लावरिंग, देखिए कितने प्यारे प्यारे से ये फ्लावरिंग हो रही है इसमें, इस वाले में। और नीचे मेरे बालकनी में लगे हुए उसमें भी फ्लावरिंग हो गई है।
तो गैस इसमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने जो खाद दिया मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो गैस ये जो मतलब आप ये बर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, ज़्यादा नहीं थोड़े दे दो फिर भी चल जाएगा। ये मैंने इसकी गुड़ाई पहले से कर रखी है, देखिए तो इसमें पानी कम ही चाहिए होता है, जब आपकी ये ऊपर की सतह सूख जाती है तभी मतलब पानी देना चाहिए, ज़्यादा पानी देने से इसके जो बल्ब है वो गल जाते हैं, प्याज टाइप के होते हैं तो ये गलने लगता है अगर आप ज़्यादा पानी देते हो, तो उसको कम पानी चाहिए होता है। और जो इसकी मतलब फ्लावरिंग टाइम है तो इस टाइम आप खाद दो, उसके बाद आप लिक्विड सारे साल इसको लिक्विड खाद दे सकते हो, या फिर जैसे आपकी सर्दी की टाइम है अक्टूबर स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको निकाल के आप रख भी सकते हो, उसके बाद जब इसका सीजन हो तब आप लगा सकते हो उसको, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो ये मैंने देखिए ये मैंने दे दिया आपका कंपोस्ट दे दिया, इसके बाद मैं देती हूँ इसमें ये देखिए ये है ये बनाना लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो ये देती हूँ मैं इस क्योंकि इसमें पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पोटाश कैल्शियम मैग्नीज और फास्फोरस वगैरह सब पाया जाता है केले के इस छिलके में, जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसको मैं हफ्ते में एक बार देती हूँ, तो इस देखिए ये जो लिक्विड है इसी से आपका जो इसमें फ्लावरिंग इतनी प्यारी प्यारी फ्लावरिंग हुई है, तो ये मैंने हफ्ते में एक बार ये देती हूँ, और उसके बाद आपके जो किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो देती हूँ, तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग होते हैं। तो गैस आप भी इस तरह से इसकी केयरिंग कर सकते हो, और आपके इस सीजन में आपको भी ढेर सारे ऐसे प्यारे प्यारे फ्लावर मिल सकता है, तो आप भी इसकी केयर करो, और आपने अगर अभी लगाए नहीं तो लगा सकते हो, अभी भी टाइम है, तो आप अगर अभी लगाते हो तो आपको अप्रैल तक इसकी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अनुभा गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।